हेल्थ केयर तरमा परमानपुर आजमगढ़ के डॉक्टर अभिमन्यु राजभर पर पीड़ित देवीलाल राजभर द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है। बता दें 25 फरवरी 2024 को पेट की पथरी के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर अभिमन्यु राजभर द्वारा भर्ती कर ग्लूकोज चढ़ाने के बाद दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन करने की बात कही गई, लेकिन आरोप है कि डॉक्टर अभिमन्यु राजभर ने मरीज के परिवार वालों को गुमराह करते हुए शिवम हॉस्पिटल सोफीपुर आजमगढ़ में ऑपरेशन करवाया गया और ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज को अपने निजी साधन से हॉस्पिटल हेल्थ केयर में ले जाकर मरीज की देखभाल करने लगा, लेकिन मरीज की स्थिति में सुधार के जगह हालत बिगड़ती गई। उसके तुरंत बाद परिवार के लोगों से कहा कि इसे अब ब्लड की आवश्यकता है, तो पति ने तत्काल 1 यूनिट ब्लड उपलब्ध किया। ब्लड चढ़ाने के बाद तत्काल गंभीर होती देख डॉक्टर ने आनन फानन में मरीज को अपने संसाधन से वाराणसी एलायंस हॉस्पिटल चेतगंज में भर्ती कराया। ईआरसीपी द्वारा मरीज का ऑपरेशन कर डॉक्टर ने पेट में नली डाल दिया। डॉक्टर अभिमन्यु राजभर ने मरीज के परिवार के लोगों को भर्ती होने से पहले बताया था कि आपके मरीज के इलाज में लगभग 30,000 खर्च होगा, लेकिन लगभग 1.5 लाख रुपया अब तक लग चुका है। पीड़ित ने इस संबंध में जानकारी देते हुए आगे क्या कुछ कहा, देखिए यारी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम देवीलाल राजभर, ग्राम गोपालपुर पोस्ट ओडासन जिला गाजीपुर क्षेत्र जखनिया का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरी पत्नी अनीता देवी है। अच्छा, क्या मामला है, कैसा मामला है आप यह सब? जी, मेरा मामला ये है कि मेरी पत्नी को पित्त में पथरी का शिकायत था। चूंकि पहले एक साल की हमारी बच्ची भी है, तो पथरी का शिकायत था, तो जब पेट में बच्ची थी तो उस टाइम पता चला था कि पित्त में पथरी है। तो फिर हमारी पत्नी अपने मायके, क्योंकि तरमा परमानपुर का यह हॉस्पिटल है, और वहाँ से हमारी ससुराल पकड़ी बहुत नजदीक है। अच्छा, और वहाँ से इन्होंने गई थी, तो 4 फरवरी को इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया इस अभी हेल्थ केयर सेंटर में, जिनके डॉक्टर मन्नू राजभर हैं। ये कहाँ है? यह तरमा थाना के जस्ट बगल में अभी हेल्थ केयर है। इन्होंने 4 फरवरी को अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें रिपोर्ट निकली कि पित्त में पथरी है। तो ये अपने यहाँ किए आपका ऑपरेशन कि कहीं दूसरे जगह? जी, अपने यहाँ नहीं किए ऑपरेशन। पहले तो इन्होंने बताया 4 फरवरी को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कि आपको पित्त में पथरी है और इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। अच्छा, तो हमें बताया गया, हमारी पत्नी ने बताया कि 25-25 हजार से 30 हजार का खर्च है। अच्छा, तो फिर हमने उसकी व्यवस्था की 4 फरवरी को रिपोर्ट के बाद। हम 25 फरवरी तक अपनी व्यवस्था की और ऑपरेशन कराने के लिए 25 फरवरी को हम पहुंचे तरवा थाना के बगल में, जो अभी हेल्थ केयर सेंटर, जिसके डॉक्टर अभिमन्यु राजभर हैं, और इन्होंने बताया था कि इसका ऑपरेशन ही विकल्प है। तो ऑपरेशन आप यहाँ आजमगढ़ से करा के आजमगढ़ कराए? इन्होंने डॉक्टर अभिमन्यु राजभर ने हमको कहा कि ऑपरेशन हाथ द्वारा चीर फाड़ से ही हमारे यहाँ हो पाता है, बाकी दूरबीन विधि से हम करवाना चाहते थे सर, क्योंकि दूरबीन विधि से जल्दी हमारा पेशेंट सही हो जाता। तो इन्होंने कहा कि दूरबीन की मशीन हमारे यहाँ खराब है, हम जो है कि आप करवा देंगे आपका ऑपरेशन, निश्चिंत रहिए, हमारे संपर्क में बहुत सारे हॉस्पिटल रहते हैं और वहाँ हम ऑपरेशन करवाएंगे आपका दूरबीन विधि से और तुरंत अपने यहाँ एडमिट करवाएंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है सर। इसी सिलसिले को लेकर के 25 फरवरी को इन्होंने आजमगढ़ शिवम हॉस्पिटल सोफीपुर में हमारा दूरबीन विधि से हमारे पत्नी अनीता का ऑपरेशन करवाया और रात में ही वहां से तुरंत ऑपरेशन करवा के अपने निजी साधन से अपने हॉस्पिटल पर लेकर चले आए। अच्छा, और वहां 5-7 दिन भर्ती होने के बाद पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर होती गई, तो उन्होंने कहा कि ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तो हमें उन्होंने भेजा रमा ब्लड बैंक आजमगढ़। अच्छा, वहां से हमने अपने परिजनों के साथ ब्लड दे करके ब्लड मिला, वहां से फिर हमने ब्लड दिया, फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि आप घबराइए नहीं, मरीज हम बिल्कुल ठीक करके देंगे। और फिर इन्होंने सर ये एलायंस हॉस्पिटल अपने साधन से हमको बनारस ले गए, एलायंस हॉस्पिटल ले गए और वहां 4 मार्च को एडमिट करवाया। 9 दिन तक हम एडमिट रहे, 4 मार्च से 9 मार्च। कितना पैसा वहां खर्च हुआ सर? वहां खर्च यहां ये वहाँ लगभग सर खर्च हमारा टोटल लेकर अब से 1.5 लाख से ऊपर खर्च हो चुका है, 2 महीने दवा भी चली है।
और इसके बाद ईआरसीपी द्वारा 4 मार्च से 9 मार्च के बीच में ईआरसीपी द्वारा पेट में मरीज के नली भी डाल दी गई है। 3 महीने का डेट था नली को निकालने का। अच्छा, अब डॉक्टर जो डॉक्टर यहाँ परमानपुर का है जी, किस क्या नाम है उसका? डॉक्टर अभिमन्यु। तो उससे आप संपर्क कर रहे हैं तो वो क्या कह रहा है? सर फोन नहीं उठा रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। वहाँ अलायंस बनारस भर्ती करवा के हमको छोड़ दिए, हमसे मतलब ही नहीं रख रहे हैं। और वहाँ के डॉक्टर अब 2 महीने दवा चलाने के बाद इस स्थिति पर पहुँचे हैं कि कह रहे हैं कि नली निकलेगी और बाईपास सर्जरी की जाएगी। अच्छा। और बाईपास सर्जरी का खर्च 1.5 लाख से 2 लाख तक बताए। तो सर अब हमारे पास पैसे की दिक्कत है। हम तो ये डॉक्टर जो तरमा वाले परमानपुर वाले हैं, ये आपका फोन नहीं उठा रहे हैं जी? बिल्कुल। तो आप मांग क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि हमारा बाईपास सर्जरी का पूरा खर्च और जो हमारा खर्च लगा है सब वहन करें, और वो पैसा वहन ना करें, हमारा मरीज ठीक करें। जो भी खर्च आ रहा है बाईपास सर्जरी का, अब तक जितना हमने पत्नी का जेवर ओवर भी बेच दिया है सर। जेवर ओवर भी बेच दिया है? जी बिल्कुल। मैंने अब आप ये चाहते हैं कि डॉक्टर हमारा सहयोग करे, तो सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से सर हम यही मांग करना चाहते हैं कि ऐसे छोटे बड़े जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन के और दूसरे डॉक्टरों को बुला के ऑपरेशन करवा रहे हैं, ऐसे में सर बिल्कुल अच्छा नहीं है। मरीज और लोगों के साथ यह बड़ी दुर्घटना का कारण शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तीसरे स्थान अब हम भटक रहे हैं सर। बाईपास सर्जरी करवाना है, इसका लंबा खर्च है और डॉक्टर हमसे मतलब नहीं रख रहे हैं, डॉक्टर मन्नू तरमा। यह बेरोजगारी का आलम है और यह बेरोजगार व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाए, अब यह बहुत चिंता का विषय है। आप मुख्यमंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? जी सर हम मुख्यमंत्री और डीएम महोदय और स्वास्थ्य मंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे हॉस्पिटल जो बिना रजिस्ट्रेशन के इन सबों को बंद किया जाए,